उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेशेवर अपराधियों को अपना प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपने वास्तविक चरित्र को प्रदेश और देश के सामने ला दिया है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बनाकर के समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी प्रवृत्ति सेवा आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छुपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है, कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। धन्यवाद जी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।